नमस्ते, हम उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस एमएससी बॉटनी के फाइनल ईयर सेमेस्टर थर्ड के पेपर 3 प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म के जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम पार्ट 2 पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। संकत एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज भोपाल से। साथियों, आप आज जो टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम, हम ये मान के चलते हैं कि आपको एंजाइम्स का एक बेसिक आइडिया होगा। बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स के बारे में भी आप थोड़ा जानते होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में और मॉडर्न नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन क्या है एंजाइम्स का। तो स्ट्रक्चर या कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और यह प्रोटीन का एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन के बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके द्वारा प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है जो कि एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बनाता है। तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सिर्फ कुछ एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन के नहीं होते हैं, जैसे कि राइबोसाइम, जिसको आरएनएज पी भी कहते हैं, तो यह एक्सेप्शन या अपवाद है। इन प्रोटीन्स में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की सीक्वेंस पाई जाती है। जैसा कि छात्रों आप जानते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है और अमीनो एसिड जो होता है वो पेप्टाइड के बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो करीब 100 टू 500 अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स पाई जाती हैं जो कि अब स्ट्रक्चर या कंपोजिशन क्या होता है एंजाइम का, तो हम उसमें सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम प्रोटीन जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और इस तरह से यह एक लीनियर या रेखीय चक्र या क्रम में लगे होते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं इनका क्रम निर्धारित होता है या निश्चित होता है। अमीनो एसिड का क्रम बदलने से प्रोटीन भी बदल जाता है और वही प्रोटीन एंजाइम को बदल देता है। यह अमीनो एसिड का क्रम डीएनए की सीक्वेंस पर डिपेंड करता है जो कि उसके जीन पर पाई जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम प्रोटीन का, उसमें जो हाइड्रोजन होता है अमीनो ग्रुप का वो और जो कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन होता है वे आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह की बॉन्डिंग के कारण जो चेन होती है, जो अभी तक प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर चेन या रेखीय चेन थी, उसमें कुछ फोल्डिंग बन जाती है क्योंकि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरेक्ट करने लगती है। तो इस तरह से जो प्रोटीन होता है उसमें कुछ फोल्ड बन जाते हैं चेन में और वो फोल्ड जो होते हैं वो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फोल्ड दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा होंगे। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का, जिसमें अल्फा हेलिक्स का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एमिनो एसिड्स लगे हैं और वो एमिनो एसिड आपस में भी, देखिए यहाँ पर वो एमिनो एसिड आपस में भी, ये देखिए यहाँ पर इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिए, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिए। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लीनियर चेन देख पा रहे थे वो यहाँ पर अब आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये होता है प्रोटीन का हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये कई हेलिकल स्ट्रक्चर भी आपस में जुड़ जाते हैं जिनको हम कहते हैं बीटा शीट। देखिए कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर एक ही डायरेक्शन में जुड़ गए हैं जिसको हम कहते हैं पैरेलल बीटा शीट, और यदि हेलिकल स्ट्रक्चर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की बीटा शीट्स दिखाई दे रही हैं, एंटी पैरेलल और पैरेलल। तो ये होती है दो फॉर्म्स बीटा शीट के स्ट्रक्चर।
अब बात करिए टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यह जो होता है इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा फोल्ड हो जाता है और वो टू डायमेंशनल लीनियर चेन जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वो और ज़्यादा फर्दर फोल्ड होकर कैसी बना रही है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, तो हम उसको कहते हैं एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में देखिए जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके अल्फा हेलिक्स हैं जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे थे, परंतु इसके साथ ही कुछ और फोल्डिंग्स बन गई हैं जो कहलाती हैं ब्लू एरो से बन गई हैं, वो हैं आपकी बीटा शीट्स। तो ये हो गया एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की, एंजाइम के प्रोटीन का जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कई सारे फोल्ड होते हैं तब वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो मल्टीपल फोल्ड्स हैं ये सब यूनिट्स के ही फोल्ड होते हैं जिससे कि मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें कई सारे तरह से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं जो कि सिंपल डाइमर से लार्ज होमो ऑलिगोमर्स तक हो सकते हैं, और उस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो वेरिएबल नंबर ऑफ सब यूनिट के मिलने से। जो आप यहाँ देख रहे हैं एक चित्र में आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ रहा है, फिर उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर आता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से बनता है, परंतु क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे मोनोमर सब यूनिट्स जो हैं ये आपस में जुड़ जा रही हैं और ये बना रही हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्रोटीन के साथ कोफैक्टर्स भी जुड़ जाते हैं और वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ कई सारे मोनोमर्स मिलकर प्रोटीन का, यदि हम कंपोजिशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंजाइम्स को दो भागों में बांटा गया है, एक होते हैं सिंपल प्रोटीन एंजाइम और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम। सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स में क्या होता है कि उस एंजाइम में केवल और केवल प्रोटीन पाया जाता है, प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन को स्प्लिट करता है या तोड़ता है, एमाइलेजेस जो कि स्टार्च को तोड़ता है। फिर दूसरे एंजाइम होते हैं जो अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम नाम से भी जानते हैं। इनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी जुड़ा रहता है। इनके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। तो अधिकतर एंजाइम कैसे होते हैं, अधिकतर एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम होते हैं जिन्हें हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। इसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं और एक उसमें होता है नॉन प्रोटीन। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर भी बना हो सकता है, या फिर सिंपल एंजाइम जिसमें कि केवल प्रोटीन पार्ट पाया जाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट वाले जो एंजाइम होते हैं उसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एम्पो एंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है होलो एंजाइम, अर्थात एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मिलकर बनाता है होलो एंजाइम। अब जो कोफैक्टर होते हैं ये कोफैक्टर कोएंजाइम के रूप में भी हो सकते हैं, मेटल एक्टिवेटर भी हो सकते हैं या तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है होलो एंजाइम जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना है। होलो का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम जो बना होता है एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट से। नॉन प्रोटीन पार्ट में मेटल एक्टिवेटर हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है या फिर, तो आइए हम विस्तार से एपो एंजाइम के बारे में पढ़ें। एपो एंजाइम जो है ये मेजर पार्ट है, देखिए ये पूरे एंजाइम का ये जो पूरा भाग है वो कहलाता है एपो एंजाइम, है ना, क्योंकि ये प्रोटीन का बना है इसलिए पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनो एसिड से बनी होती हैं, तो इसमें 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड पाए जाते हैं और यही एमिनो एसिड का क्रम इस बात को निर्धारित करता है कि वो किस प्रकार का प्रोटीन बनाएगा और वही निर्धारित करता है कि वो किस प्रकार का एंजाइम बनाएगा। तो ये जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस होती है स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक एंजाइम के लिए। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के हो सकते हैं जो कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को निर्धारित करते हैं, जिसमें से जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है।
और इस टर्शरी स्ट्रक्चर की ही में ही यदि कोई लॉस होता है या अंतर आता है तो जो प्रोटीन होता है वो इन नॉन प्रोटीन पार्ट की बात करें एंजाइम की तो ये एडिशनल केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एंजाइम से जुड़े होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये लूजली बाउंड हो सकते हैं तो ये कहलाते हैं कोफैक्टर, और यदि ये ऑर्गेनिक होते हैं तो ये कहलाते हैं कोएंजाइम, यदि ये इनऑर्गेनिक होते हैं तो ये कहलाते हैं मेटल एक्टिवेटर। तो जो कोफैक्टर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या मेटलोनऑर्गेनिक एंजाइम हो सकते मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जब ये ऑर्गेनिक होते हैं तो ये कहलाते हैं कोएंजाइम, और जब ये मेटलिक कंपाउंड मेटल आयन से बने होते हैं तो ये कहलाते हैं मेटलिक एक्टिवेटर। कोफैक्टर जो होते हैं ये कैरी करते हैं ग्रुप को या रिमूव करते हैं सबस्ट्रेट से, और ये एंजाइम के साथ ही काम करते हैं। ये थर्मोस्टेबल होते हैं अर्थात टेम्परेचर का इन पर असर नहीं होता। ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोस्थेटिक पार्ट क्या है? ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये कंपोनेंट होता है कॉन्जुगेटेड पार्ट ऑफ प्रोटीन का, ये टाइटली बाउंड होता है, स्टेबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, और ये ऑर्गेनिक जब होता है या फिर ये इनऑर्गेनिक मेटलो एंजाइम के रूप में हो सकता है। यूजुअली कोएंजाइम क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जब ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ा होता है तो उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ये एक प्रकार का कोफैक्टर होता है, ये अडॉप्टर या एक्सेप्ट करते हैं सबस्ट्रेट को, और ये कैरियर होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। ज्यादातर विटामिन से मिलकर विटामिन से ही बनते हैं ये, और ये एपोएंजाइम से इजीली सेपरेट हो जाते हैं या डायलाइजेबल होते हैं अर्थात डिसोसिएबल होते हैं क्योंकि ये नॉन कोवेलेंटली बाउंड होते हैं। छात्रों आप इसे याद करने के लिए NOLD के रूप में भी पढ़ सकते हैं। N का मतलब होता है नॉन प्रोटीन, O का मतलब होता है ऑर्गेनिक, L का मतलब होता है लो मॉलिक्यूलर वेट, और D का मतलब होता है डायलाइजेबल अर्थात डिसोसिएबल। तो याद करने के लिए आपको एंजाइम को इस प्रकार से एंजाइम जो होते हैं उसमें किस प्रकार का मेटलिक ग्रुप वो कैरी करते हैं उसके अनुसार उसकी एक्टिविटी को वो स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि यदि हाइड्रोजन कैरियर हैं तो वो एंजाइम होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करने वाला, जैसे कि कोएंजाइम 1 जिसे NAD बोलते हैं, कोएंजाइम 2 NADP, लिपोइक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कि आप विटामिन सी कहते हैं, FAD FMN, एसाइल कैरियर तो कोएंजाइम ए, एमिनो ग्रुप कैरियर तो पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज, कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर बायोटीन, इस प्रकार से ATP UDP PAP यह सारे कोएंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम के साथ जुड़ते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। आइए अब हम मेटल एक्टिवेटर के बारे में जानें। तो एंजाइम के साथ कुछ मेटलिक आयन्स जुड़ जाते हैं जो मेटल एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, निकिल। तो आयरन जैसे कि ये हीम ग्रुप में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में आयरन लगा होता है, हीम में आयरन लगा रहता है, हीमोग्लोबिन में आयरन लगा रहता है। कॉपर जैसे कि कॉम्प्लेक्स 4 रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में लगा होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में मॉलिब्डेनम पाया जाता है। तो ये सारे मेटल एक्टिवेटर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम एंजाइम के नॉमनक्लेचर या नामकरण की। एंजाइम का नामकरण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि किस प्रकार की रिएक्शन को वो करता है उसके आधार पर भी एंजाइम का नामकरण किया जाता है ना। रिएक्शन स्पेसिफिक एंजाइम कहलाएंगे, जैसे कि डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम है तो ये डीहाइड्रोजिनेशन वाली रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीडेज एंजाइम है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोलेज एंजाइम है हाइड्रोलिसिस में कैटालिसिस कर रहा है, ट्रांसफरेज एंजाइम ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है। तो रिएक्शन के आधार पर एंजाइम का नामकरण कर दिया गया है जैसा कि आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा प्रकार होता है एंजाइम का नामकरण उसके सबस्ट्रेट के आधार पर, अर्थात
एंजाइम किस प्रकार के सबस्ट्रेट पर एक्टिविटी कर रहा है और प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो उस प्रकार के एंजाइम को हम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम कहेंगे, और उस एंजाइम के अंत में एज लगा होता है सबस्ट्रेट के नाम के साथ में। जैसे यदि यूरिया सबस्ट्रेट है तो उस पर जो एंजाइम काम कर रहा है वो कहला रहा है यूरिएज। माल्टेज एंजाइम माल्टोज सबस्ट्रेट पर कार्य कर रहा है। लाइपेज एंजाइम लिपिड सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है, और फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट नामक सबस्ट्रेट पर कार्य करता है। तो ये हो गया एक प्रकार का नामकरण। अब हम देखें कि कुछ एंजाइम जो है वो अपने नाम से ये भी इंडिकेट करते हैं कि वो किस प्रकार की रिएक्शन कर रहे हैं और किस प्रकार के सबस्ट्रेट पर क्रियाशील हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम सक्सिनिक एसिड नाम के सबस्ट्रेट पर कार्य करता है और डीहाइड्रोजनेशन करता है, इसलिए इसका नाम इस प्रकार का पड़ा। एक और चीज याद रखें कि कुछ एंजाइम का नामकरण इस प्रकार से किया गया है कि वो बहुत ही एम्बिगुअस है या कंफ्यूजिंग है या प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि कुछ एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेपेन। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि किस प्रकार का सबस्ट्रेट है या किस प्रकार की एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए कमीशन ऑन एंजाइम ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961 द्वारा एक एंजाइम का नामकरण और नॉमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो ये छात्रों एक बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच होता है एंजाइम के क्लासिफिकेशन का और नामकरण का, जिसमें इस प्रकार की एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन नहीं होता कि एंजाइम के नाम से आपको ये ना समझे कि किस प्रकार की एंजाइम है या किस प्रकार की रिएक्शन है या किस प्रकार का सबस्ट्रेट है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए कमीशन ऑन एंजाइम्स ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है उसके द्वारा एक नामकरण दिया है, नॉमनक्लेचर दिया है और एक क्लासिफिकेशन साथ में ही उसका दिया है। तो ये होता है IUB के द्वारा, IUB मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन और नामकरण, जो कि कोड नंबर के द्वारा बताया जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन और नामकरण में क्या होते हैं, कोड नंबर होते हैं। तो ये नंबर कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, 4 डिजिट्स होती हैं इसमें, और ये 4 डिजिट्स ही किसी एंजाइम का क्लासिफिकेशन भी होती है। और तो छात्रों पुराना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था ये भी देख लें हम। अभी हमने पुराना नामकरण देखा, अब हम क्लासिफिकेशन का पुराना सिस्टम देख लेते हैं। तो पुराना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एंजाइम्स को 2 भागों में बांटा था, एक थे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और एक थे डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम थे वो हाइड्रोलिसिस करते थे और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते थे वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के द्वारा। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम जो थे वो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन करते थे जो कि या तो केमिकल चेन को ब्रेक कर रही है या उसको लंबी कर रही है या इंटर इंट्रामोलिक्यूलर एडिशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है एटम्स का या केमिकल ग्रुप्स का, जैसे कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को हमने आगे कितने विभागों में बांटा गया है, तो जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेजेस, एस्टरेजेस, फॉस्फोराइलेजेस, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और एमाइडेजेस। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से इस एंजाइम को समझते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेजेस जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स पर काम करते हैं। जैसे कि जो सुक्रेज नाम का एंजाइम है, यहाँ सबस्ट्रेट हो गया सुक्रोज और इसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एस्टरेजेस जो हैं उसमें लाइपेज एंजाइम फैट पर काम करता है और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनाता है। फॉस्फोराइलेजेस जैसे कि सुक्रोज फॉस्फोराइलेज सुक्रोज प्लस फॉस्फोरिक एसिड पर कार्य करके और फ्रक्टोज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम जिसका कि आगे विभाजन किया गया है डेस्मोलेजेस, डीहाइड्रोजनेजेस, ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस, हाइड्रोलेजेस, कार्बोऑक्सीलेजेस, ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेसिस। छात्रों जो एंजाइम कमीशन है उसने एंजाइम के नॉमनक्लेचर के लिए दोनों ही नाम प्रस्तावित किए हैं, एंजाइमेटिक नेम एंड ट्रिवियल नेम ऑफ एंजाइम। एंजाइम के ट्रिवियल नेम से मतलब होता है कि उसका कॉमन नेम जो प्रचलित नाम है।
नए सिस्टम में जो एंजाइम्स है उसको 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है और ये 6 मेजर क्लासेस ये बताती हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन किस प्रकार की है। फिर इन 6 मेजर क्लासेस को सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हर एंजाइम को असाइन किया गया है एक रिकमेंडेड नेम, एक सिस्टमेटिक नेम और जो क्लासिफिकेशन नंबर होता है, जिसके बारे में अभी हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो कमीशन ऑफ एंजाइम्स ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द्वारा इस सिस्टम को डेवलप किया है। इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कोड नंबर दिया गया है हर एंजाइम को। हर एंजाइम को एक कोड नंबर दिया गया है जिसको हम कहते हैं एंजाइम कोड, या फिर हम इसको शॉर्ट में कहते हैं ईसी नंबर। ये ईसी नंबर 4 डिजिट्स या 4 अंकों से मिलकर बना होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2.7.3.2। अब इसमें से जो फर्स्ट डिजिट है वो बताती है कि उसकी मेजर क्लास क्या है। मेजर क्लास के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन को समझाती है। तो पहला जो अंक है वो बताता है कि मेजर क्लास क्या है। दूसरा जो अंक है वो बताता है कि उस क्लास की सब क्लास क्या है। अभी हम कुछ उदाहरण से इसको और समझेंगे। जो थर्ड डिजिट है वो बताता है कि सब क्लास की या सब डिवीजन ऑफ सब क्लास। सब क्लास का जो सब डिवीजन है जिसको हम सब सब क्लास कहते हैं वो क्या है। और जो फोर्थ डिजिट है वो ये बताती है कि उसका रिकमेंडेड नेम या स्पेसिफिक नेम क्या है एंजाइम का। तो ये होता है 4 अंकों वाला एंजाइम का क्लासिफिकेशन। पहला अंक बता रहा है आपको मेजर क्लास, दूसरा अंक आपको बता रहा है सब क्लास, तीसरा अंक बता रहा है सब सब क्लास और चौथा अंक उसका रिकमेंड। जैसे कि अभी आप अपनी स्लाइड पर देख पा रहे हैं कि एंजाइम कमीशन नंबर यदि 1 लिख रहा है, पहली डिजिट यदि 1 है, तो इसका मतलब है कि उसकी सब क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये है उसकी सब क्लास। और उस ऑक्सीडो रिडक्टेज सब क्लास का रिएक्शन क्या था? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसकी सब क्लास कौन सी है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से। और वो किस बात पे डिपेंड करती है कि वो CHOH ग्रुप पर कार्य कर रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के समय, या C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर काम कर रहा है, या CCH ग्रुप पर काम कर रहा है। तो वो किस प्रकार के ग्रुप पर कार्य कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन में, वो ऑक्सीडो रिडक्टेज की सब क्लास कहलाती है। 1.5, 1.6, 1.7 इस तरह से। सब क्लास पर जो होती है ट्रांसफरेजेस, ये ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप को। यदि इसकी सब क्लास है 2.1 तो मतलब 1 कार्बन ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, 2.2 मतलब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, 2.3 मतलब एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, इस प्रकार से। जो मेजर क्लास है वो होती है हाइड्रोलिसिस अर्थात हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। उसकी सब क्लास होती है 3.1, 3.2, 3.3। तो किस प्रकार के बॉन्ड पर यह रिएक्शन हो रही है। चौथी सब क्लास होती है लाइसेसिस, ये एडिशन करता है डबल बॉन्ड का, जैसे कि 4.1 तो सीसी बॉन्ड, 4.2 तो सीओ बॉन्ड है, 4.3 सीएन बॉन्ड है, 4.4 सीएस बॉन्ड। पांचवी मेजर सब क्लास होती है आइसोमराइजेस, जो कि आइसोमराइजेशन करता है, जैसे कि इसकी सब क्लास मेजर क्लास हो गई आइसोमराइजेस, जो कि आइसोमराइजेशन की रिएक्शंस करते हैं, और सब क्लास हो गई 5.1, 5.2, 5.3 इस प्रकार। अंतिम मेजर सब क्लास कहलाती है लाइगेजेस। लाइगेजेस को बोलते हैं जोड़ना, जिसका दूसरा नाम है सिंथेटेजेस, और ये फॉर्मेशन करता है बॉन्ड्स का, है ना, एटीपी निकालती है, जैसे कि 6.1 सीओ बॉन्ड, 6.2 सीएस बॉन्ड, 6.3 सीएन बॉन्ड। तो ये मेजर क्लास और सब क्लास के बारे में थोड़ी। आइए अब हम एक एग्जांपल से समझ लें। जैसे एग्जांपल है क्रिएटिन। ये क्रिएटिन काइनेज की उपस्थिति में फॉस्फोक्रिएटिन बनाता है, अर्थात एंजाइम का नाम है क्रिएटिन काइनेज। इसका सिस्टमेटिक नेम है रिएक्शन किस प्रकार की कर रहा है उसके आधार पर। तो सिस्टमेटिक नेम है एटीपी कोलन क्रिएटिन फॉस्फोट्रांसफरेज, ठीक है, क्योंकि एटीपी से ये फॉस्फोरस का ट्रांसफर कहाँ कर रहा है, दूसरे ग्रुप में कर रहा है, तो ट्रांसफरेज हो गया। क्लासिफिकेशन नंबर इसका है ईसी, एंजाइम कमीशन नंबर। ईसी का मतलब है
चार डिजिट का होता है तो 2.7.3.2, टू मेजर क्लास है, सेवन सब क्लास है, थ्री सब सब क्लास है और टू उसका स्पेसिफिक, यहाँ पर टू जो है मेजर क्लास वो हो गई, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफरेस, टू उसकी मेजर क्लास है, जो सेकेंड डिजिट है सेवन वो उसकी सब सब क्लास है, तो वो क्या हो गई, फॉस्फोरस कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को ये ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए फॉस्फो ट्रांसफरेस, है ना। थर्ड डिजिट जो होती है वो बताती है सब सब क्लास, तो वो हो गया फॉस्फोट्रांसफरेज विद नाइट्रोजनस ग्रुप एज एक्सेप्टर। तो ये फॉस्फोट्रांसफरेज को आगे और क्या बता रहा है कि नाइट्रोजनस ग्रुप एक्सेप्टर की तरह है, तो वो किससे पता लग रहा है हमें, इस थर्ड वाले डिजिट से। और जो लास्ट या डिजिट होता है फोर्थ डिजिट, जैसे कि ये टू, तो वो बता रहा है, वो डिजिग्नेट करता है क्रिएटिन काइनेज नाम को, जो कि उसका रिकमेंडेड नेम कहलाता है। तो इसका नाम क्या हो गया, टू का मतलब हो गया ट्रांसफरेज, सेवन का मतलब हो गया फॉस्फोरस कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर मतलब फॉस्फोट्रांसफरेज, तीसरे का मतलब हो गया फॉस्फोट्रांसफरेज विद नाइट्रोजनस ग्रुप एस एक्सेप्टर, और सेकेंड लास्ट डिजिट का मतलब हो गया क्रिएटिन काइनेज, ये हो गई इसकी लास्ट डिजिट क्रिएटिन काइनेज। देखें कि कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के ट्रिवियल नेम क्या थे, जो कि कोड नंबर दिया है हमें, हमने आपको सिस्टमेटिक नेम दिया है उसका और ट्रिवियल नेम दिया है। छात्रों ट्रिवियल नेम का मतलब होता है उसका कॉमन नेम, और जो सिस्टमेटिक नेम है उसमें आप देख रहे हो कोड नंबर 1.1.1 जो है उसका नाम है एल्कोहल एनएडी कोलन ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो एल्कोहल एनएडी के बाद कोलन लगा है मतलब ये सबस्ट्रेट का नाम है, ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब ये किस प्रकार की रिएक्शन कर रहा है उसका नाम है, और उसका कॉमन नेम होता है एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो ये इस प्रकार से एंजाइम के सिस्टमेटिक नेम भी हैं और उनके कॉमन नेम। या अब हम अंत में देखते हैं कि एंडोएंजाइम और एक्सोएंजाइम किसे कहते हैं। एंडोएंजाइम का मतलब वो एंजाइम जो कि सेल के अंदर बनते हैं और सेल के अंदर ही एक्टिविटी करते हैं, उनको एंडोएंजाइम्स या इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं, जैसे कि अधिकतर प्लांट एंजाइम, जैसे कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं सेल्स में वो इसके कारण इन्हें मेटाबॉलिक एंजाइम भी कहते हैं। एक्सोएंजाइम जो कि सेल के अंदर तो बनते हैं परंतु एक्टिविटी के लिए वो सेल से निकलकर बाहर बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं, लिबरेट आउट होते हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा कि एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया फंजाई के एंजाइम, इंसेक्टिवरस प्लांट्स में, ये प्लांट्स में कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम भी बनते हैं, एक्सोएंजाइम बनते हैं, जैसे कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि इंसेक्टिवरस प्लांट में पाए जाते हैं, जो सेल से बाहर निकलकर ड्रोसेरा और नेपेंथिस में जो होते हैं प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं। फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसी प्रकार के होते हैं और कुछ सीरियल। तो छात्रों यह था हमारा पार्ट टू, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम। यदि आप और विस्तार पूर्वक इस बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो कुछ किताबों के नाम, पुस्तकों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि वी के जैन की प्लांट फिजियोलॉजी, जैन एट अल की फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कुमार एवं पुरोहित की प्लांट फिजियोलॉजी और लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री, सेलिसबरी एंड रॉस की प्लांट फिजियोलॉजी से आप अध्ययन। आइए अब हम कुछ इन्हीं पर आधार कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, एंजाइम के वर्गीकरण एवं नामकरण का जो मॉडर्न सिस्टम है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, या फिर एंजाइम के स्ट्रक्चर का डिटेल्ड अकाउंट दीजिए। कुछ शॉर्ट आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एंडोएंजाइम और एक्सोएंजाइम को डिफरेंशिएट कीजिए, या कोएंजाइम और कोफैक्टर को डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, मेटल एक्टिवेटर और स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के ऊपर। आशा करते हैं छात्रों आपको जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम क्लियर हो चुका होगा। नमस्ते, थैंक यू।